प्रेटीज प्रिया हियर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस्टिव सीजन के लिए ये बहुत ही इजी सी फ्लावर बन हेयर स्टाइल। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज की फ्लावर बन हेयर स्टाइल। बहुत ही इजी है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो साइड पार्टिंग लेने के बाद एक छोटा सा मैंने सेक्शन लिया है, उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर उसे एक बारी क्रॉस किया है और जो स्टैंड नीचे आता है उसमें आपको थोड़े से हेयर ऐड करने हैं और फिर क्रॉसिंग लगानी है। जो भी स्टैंड नीचे आता है उसमें आपको थोड़े से हेयर ऐड करने हैं और फिर क्रॉस करना है। तो इसी तरीके से आपको ईयर तक कर लेना है और फिर आपको बस दो ही स्टैंड के ऊपर काम करना है। तो दो स्टैंड्स जो है वो आपको बस ट्विस्ट कराने हैं। बट ट्विस्ट कराने से पहले आपको जो ये वाला स्टैंड है ना उसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। जिस डायरेक्शन में आप उसे क्रॉस करने वाले उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे ट्विस्ट कीजिएगा आपके फेस की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आ रहा है और ऐसा अच्छी लगेगी बाद में तो कॉमेंट करके मुझे बता देना। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करना है एंड तक। आपको क्रॉसिंग एंड तक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने पोर्शन छोड़ दिया है। साइड ब्रेड डालने के बाद पीछे की तरफ जो बाल बचते हैं वहाँ पे पोनीटेल डाल लीजिएगा और फिर उस पोनीटेल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर जैसे दिखाया वैसे। पोनीटेल का एक हिस्सा लीजिएगा, उसे फिर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा और वहाँ पे आपको रो ब्रेड डालनी है। रो ब्रेड यानी कि आपको ट्विस्टिंग और क्रॉसिंग करना है, बट क्रॉस करने से पहले आपको एक सेक्शन ट्विस्ट करना है आपके फेस की तरफ। या आप देख सकते हो कैसे मैं कर रही हूँ। सेम प्रोसीजर आपको एंड तक कर लेनी है। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड डाल दिया है ताकि आपको बोर ना हो इस वजह से। तो वैसे कैरी करना है आपको। एंड का पोर्शन थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है और वहाँ पे अब मैं रबर बैंड टक कर दूंगी। सेक्शंस क्रॉस करते समय जो ट्विस्ट मैंने लगाया था फेस की तरफ उस वजह से ये रोप ब्रेड अभी फर्म रहेगी, लूज़ नहीं हो पाएगी। तो एक रोप ब्रेड जो अभी रेडी है उसे हम वन शेप में फिक्स कर देंगे और जो दो सेक्शंस हमने ट्विस्ट क्रॉस किए थे उस वजह से इस वन का शेप फ्लावर की तरह आता है। बाद में ब्रेड क्रॉस करने के बाद सबसे पहले आपको एक यू पिन वहाँ पे टक कर देने हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे जगह जगह पे आपको पिन्स फिक्स कर देने हैं। बस मैंने स्टार्टिंग में एक यू पिन यूज़ की है, उसके बाद जब एंड्स टक करने की बारी आएगी वहाँ पे मैं बॉबी पिन का यूज़ करूँगी। एंड जहाँ पे हम टक करते हैं वहाँ पे बॉबी पिन यूज़ कीजिएगा क्योंकि बॉबी पिन टाइट होता है यू पिन्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एंड फिक्स कर दिया है और वहाँ पे मैं एक पतली वाली बॉबी पिन फिक्स कर दूँगी कुछ इस तरीके से। तो फ्लावर बन का बेस अभी रेडी है और ये जो सेकंड स्टैंड बचा है उसकी भी हमें रो ब्रेड डाल लेनी है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था वैसे आपको सेकंड टाइम भी करना है। तो सेकंड रो ब्रेड मैंने ऑफ स्क्रीन जाके रेडी कर दी है और उसे अब मैं फिक्स करूँगी फर्स्ट जो बेस हमने रेडी किया था फर्स्ट ब्रेड की मदद से। तो उसके सराउंडिंग हमें ये फिक्स कर लेना है। बस मैं उसे रोटेट कर रही हूँ और फिर जो एंड्स बचेंगे एंड्स को हम बॉबी पिन की मदद से फिक्स कर देंगे। एंड्स हमारे अच्छे से फिक्स है तो पूरा जूड़ा फिक्स है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए एंड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और बाद में ज़रूरत लगे तो आप यू पिन्स का वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पूरा जूड़ा ऑलमोस्ट 75% फिक्स हो गया है मेरा। कुछ फ्रिंजेस निकली है तो उसे मैं फिक्स कर दूँगी अभी। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से जूड़े के ऊपर प्रेस कीजिएगा ताकि वो फैल जाए और जूड़े का शेप बड़ा दिखे। और अब बारी आती है साइड ब्रेड को फिक्स करने की। तो अब हम फिक्स करते हैं साइड ब्रेड और साइड ब्रेड फिक्स करने के बाद बन का शेप और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि एक स्टैंड उसके अंदर ऐड होने वाला है। तो रबर बैंड निकाल लीजिएगा, मैं भूल गई थी तो अभी निकाल रही हूँ, और रोटेट कीजिएगा। ये यहाँ पे भी बॉबी पिन की मदद से मैं एंड्स को फिक्स कर रही हूँ। अब तक हमने जो भी यू पिन बॉबी पिन का यूज़ किया है उन्हें मैं अभी अंदर फिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा पुश कर रही हूँ। और इस तरीके से मेरा जूड़ा भी रेडी है। क्योंकि ये फेस्टिव सीजन हेयर स्टाइल है तो इस वजह से एक छोटा सा आर्टिफिशियल या फिर ओरिजिनल फ्लावर इस जूड़े के अंदर यूज़ कीजिएगा, टक कीजिएगा और बहुत ही अच्छी लगेगी हेयर स्टाइल। अगर आप ये हेयर स्टाइल साड़ी के ऊपर कैरी करना चाहते हो तो ये इस तरीके का जो ब्रश आता है लटकन टाइप का वो यूज़ कीजिएगा, हेयर स्टाइल बहुत ही एनहांस हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलता है नेक्स्ट किसी यूजफुल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।